हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो है कि ऑयलिंग करने से पहले कुछ हेयर स्टाइल आप लोगों को मुझे बताने हैं। एंड तो फिर ऑयलिंग करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ हेयर स्टाइल बना के बताऊंगी, उसके बाद मैं कॉटन बॉल की हेल्प से अपने बालों में ऑयलिंग करूंगी। ये किसी की रिक्वेस्ट थी जो काफी टाइम से पड़ी हुई थी एंड उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ एंड आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बालों में कुछ हेयर स्टाइल आपको बना के बता देती हूँ, उसके बाद मैं बालों में ऑयलिंग करूंगी। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल मैं बनाऊंगी वो है सिंपल पोनीटेल, एक सिंपल पोनीटेल में आपको फर्स्ट हेयर स्टाइल बना के बताऊं, जो हाई पोनीटेल होती है समथिंग। तो गाइस, ये है फर्स्ट हेयर स्टाइल। अब हम नेक्स्ट सेकंड के लिए मैं बालों में ऐसे ही पोनीटेल बनाने के बाद बालों को हेयर ब्रेड बना लूंगी। एक ये है सेकंड हेयर स्टाइल एंड थर्ड इसी में से हम इसे जूड़ी की फॉर्म बना लेंगे। जैसे कि समर सीजन आ गया है तो काफी प्रॉब्लम होती है इस चीज की, गर्मी काफी हो जाती है, तो इस तरह से आप बिल्कुल ही परफेक्ट बना सकते हैं। एंड तो इस तरह से बहुत इजीली है ना, आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी इस तरह से बांध के। आप चाहें तो इसमें कुछ बॉबी पिन का भी यूज कर सकती हो और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो थ्री हेयर स्टाइल मैंने आपको बता दी एंड फोर्थ तो ये है फोर्थ हेयर स्टाइल एंड जो कि काफी प्रिटी लगता है, काफी खूबसूरत लगता है। एंड अब इसके बाद मैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल बनाऊंगी। इन सारे हेयर स्टाइल को आप समर सीजन में फॉलो कर सकते हैं। एंड जो फिफ्थ हेयर स्टाइल बताएंगे आपको, लास्ट हेयर स्टाइल और फाइव हेयर स्टाइल मैं आपको टोटल बता दूंगी, फोर में बता चुकी हूँ। आप उन्हें अलग अलग तरीके से, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कैरी कर सकते हैं, बना सकते हैं।
लास्ट आप इस तरह से ही कर सकते हैं और ये भी काफी प्रिटी काफी खूबसूरत लगता है बालों में, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं आप इस तरह के हेयर स्टाइल को बांध करके। तो मैंने आपको पूरे टोटल 5 हेयर स्टाइल बताए हैं एंड अब मैं आपको ऑयलिंग बताती हूँ। आप लोगों ने बोला था कि मुझे इसके बाद ऑयलिंग करनी है इन्हें रिमूव करने के बाद, तो 5 हेयर स्टाइल मैंने आपको बताया, इसके बाद मैं कॉटन बॉल की हेल्प से ऑयलिंग करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऑयल ले लूंगी जो कि मैंने हेयर केयर का ऑयल लिया हुआ है एंड इसे मैं एक इसमें डाल लूंगी जिससे कि कॉटन बॉल से लेने में काफी इजी रहेगा। तो अब मैं बालों में ऑयलिंग करूंगी, उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया, थोड़ा सा मैं और ले लेती हूँ। गाइस बिना कट के बोला था ये वीडियो कि विदाउट कट किए मुझे इस वीडियो को बनाना है, बट मैंने कोई भी कट ऐसे नहीं डाला है इसमें, बट बीच में थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मुझे थोड़ा बंद करना पड़ा उसे और उस वॉइस को बंद करने के लिए, और उसके अलावा मैंने इसमें कोई भी अलग चीज नहीं की है इसमें कट करके, ना ही स्पीड किया है और वीडियो का नॉर्मल चल रहा है वीडियो जैसा कि आप लोगों ने बोला था। अब मैं इस कॉटन बॉल की हेल्प से अपने बालों में ऑयलिंग करूंगी। हैवी हेयर ऑयलिंग करनी थी, जितना भी बाल ऑयल मेरे बालों में एडजस्ट हो जाएगा मैं उतना ऑयल यूज करूंगी। काफी हैवी हेयर ऑयलिंग की है मैंने जैसा कि आप लोगों ने कहा था, तो बहुत ऑयल हो रहा है बालों में। थोड़ा ऑयल और ले लूं, ऑयल खत्म हो गया है। मैंने कॉटन बॉल की हेल्प से अपने पूरे बाल में ऑयल अप्लाई कर लिया, आप देख रहे हो काफी हैवी हेयर ऑयलिंग भी हुई है, बट बालों की जो लेंथ है उसमें कॉटन की हेल्प से ऑयल नहीं लग सकता, तो उसमें मैं अब नॉर्मल ऑयल लगा लूंगी हाथों से।
ऑयल काफी हो चुका है एकदम गर्दन पर और फेस पर भी आ चुका है। अब मैं बालों को सिंपली कॉम कर दूंगी एंड बांध लूंगी। सिंपल मैं ऐसे रबर से बांध लूंगी। मैंने एक बन बना लिया है पीछे साइड। तो गाइस ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मैंने आपका रिक्वेस्ट जो था कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर जरूर कर देना एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।